14. Extend como que va a ver una vez. Soporte, ni sé qué probó. Solo no me da, pero que no la máxima. Pero un poco de costa el problema. ¿Qué es? ¿Dónde?
contra ella. No han cerrado. A ver si entra. फिर से एक डिस्को बना रहे हैं ठीक है ये बना देंगे हम वन जी बी वन जी बी के बना वन जी बी ठीक है ठीक है ठीक है एक एक्स्ट्रा है क्या डबल की अब फिर से हम लोग क्या करके आ रहे हो तो बताओ मेरे को। सारा चला दिए सर बस फिर से एक एक्स्ट्रा पार्टीशन करके बीजी बना रहे हैं बीजी में चेंज करना है बीजी में हो गया एलबी में हो गया माउंट में क्यों नहीं दिखा रहा अभी क्या किए समझ सकते हैं अभी मैं आ गया टीवी पे आ गया हूँ दूसरे वाले क्रिएट करो टीवी वाला अपना देखो पहले अपना एलबी का कितना था 1 GB था तो वो तो गया एक्सटेंड एक्सटेंड हो गया ना 1 GB बढ़ गया ना इसमें भी जी बढ़ा दिए थे ना हम लोग तो क्या नहीं माउंट में नहीं दिखा रहे हैं ना बोलना ये था ना कि AWS का जो दिखा रहा है आपका ग्राफ ठीक है वो पर्टिकुलर 5 मिनट्स का देखता है 5 मिनट्स में माउंट में तो वहीं दिखा रहा अभी नहीं दिखा रही मैं चाह रहा हूँ ये बढ़ा हुआ है यहाँ पे भी तो दिखाए यहाँ पे भी ना उसका जो लोड एवरेज है छोटी चीज नहीं है कि मैं ही नहीं पूछूंगा तुम लोग ही देखो ये बाकी उतना ही उसकी डिटिकल टिपिकल वाली मैं फाड़ फूल करता हूँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं
इसका है दस रुपये अब कल दिखाओ हाँ तुमको कॉल करना होगा तो मेरा नंबर तो है ना मेरे पास कॉल तो करी करता है पर क्या नहीं टाइम नहीं मार सकते हो टाइम नहीं दिया है भगवान ने पूरा ये फिर नाम दो पार्टीशन का अब आगे का नाम लिखो आगे का नाम तुम्हें पता है ना पूरे टाइप क्यों मार रहे हो एन करो मैपर के साथ सर मैपर भी दूंगा ना दो टाइप मारो अब रहेगा मैपर इजी वोलन इंटर मैं नहीं चला था उस दिन बस कुल नॉट फाइन लाइक फाइव फिफ्टीन इसमें तुम फॉर्मेट किस में किए हो एक्सएफएस में कहाँ से है कहाँ पे दिखाएगा कहीं दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा कहीं है एम के एस कमांड वाला दिख रहा है सर ये डायरेक्टरी बनाया था डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हाँ वो था तो मैं उसको बनाएंगे फिर से उसी में माउंट करके देखो यहीं पे तुम्हारा एरर दिया है क्या बोला सर रीडिंग द पार्टीशन टेबल फेल डिवाइस रिसोर्स बिजी पर जो जिसके लिए दिया है वो डिवाइस तो बन गया था सर तो मैं जब ये डिवाइस बना रहा था ना सर तभी ये एरर आया था यूज में हो रहा है ना पहले ही ऑलरेडी तीन पार्टीशन तो पहले ही बन चुका है नहीं बाद में मैंने बनाया था बाद में ए दो पहले का काम किया था बाद में ए पार्टीशन बनाया था सात वाला हाँ चलाते थे रिड्यूस वाला अनमूव वाला यहाँ तक हमारा बहुत अच्छा से चला रिसर्च के बाद ही हमेशा रहता था
एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, ठीक है, क्या बना नहीं बना है उसको तुम करो। अभी मतलब मैं अभी पी तो वहीं पर दे रखा है इसको, इसलिए नहीं ले रहे हैं, समझ गए तुम बात को। मतलब वॉल्यूम ग्रुप से बढ़ाए हैं वो कम कर देगा, लेकिन ये वीजी रिड्यूस ये सब जो है ना जानना चाहिए, लेकिन ये करना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका डेटा करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ये भी मूव सर, ये तो नहीं हुआ था ना हम लोग का, ये भी नहीं हुआ था, ये हमने टेस्ट किया, ये भी जब चलाया ना सर तो यूट्यूब में कोई नहीं चला, ये सब फेल आया था, नहीं चलता जल्दी, ये वीजी रिड्यूस नहीं चलता है। हाँ सर एक और चीज था, एक मिनट यहाँ पे, तुमने एक यहाँ पे क्या किया, जीडिक्स किया था क्या? जीडिक्स तो अलग था, वो तो कल किया था, तुमने नया पार्टीशन बनाया, कहाँ पे बनाया हो? एपिक्स से, एपिक्स से बनाया हो, जीडिक्स तो अलग ही पार्ट होता है। देखो जब एपिक्स से बनाए हो तो उसको पार्टीशन करो, एक से उसमें कर लिया करो, पी एफ टी थ्री में, EXT3 या EXT4 में, हाँ फॉर्मेट कर दो, हाँ तो वो वहाँ पे दिखा देगा, हाँ माउंट में दिखा देगा, हाँ क्यों दिखाएगा, हाँ रिड्यूस करना है उसका, सी फॉर लिस्ट एम फॉर वही या मूव वाला, जी डिक्स में लग रहा बनाया, हाँ मैं जी डी में बना रहा हूँ, लिस्ट जी डी में, जी डिक्स में बनाने के बाद बिल्कुल फॉर्मेट अलग हो जाता है सर, डिफॉल्ट साथ सर। एक सेकंड एक और चीज़ बताएंगे, मेरा पूरा कंफ्यूजन बोलो सर, ये जो हम एम के स्वैप करते हैं सर, तो उसमें जरूरी है ही नहीं हम लोग को एम के डी आई आर स्वैप बनाने का? ना नहीं है ना, नहीं जरूरत है, अब उसको परमानेंट जब हम वी आई में जाकर स्वैप स्वैप करते हैं तो एक तो डायरेक्टरी होता है और एक फाइल टाइप होता है ना, यही होता है ना सर, और वहीं जी डिक्स में जाकर हम लोग करते हैं सर, तो जी डिक्स में या तो आई डी के साथ करें या देव के साथ करें? आई डी तो वहाँ भी, आई डी तो वहाँ भी यूज होगा, हाँ वहाँ भी कर सकते हो, हाँ। पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर जी डिक्स में देव के भी साथ कर सकते हैं ना, देव फाइल उसके साथ कर देंगे, पर इसको शो नहीं करता है सर, अगर मैं ये परमानेंट चला देते हैं, ये कर लेते हैं ना अभी देख लो तुम, हाँ वो दिखता नहीं है कि कहाँ दिखेगा परमानेंट, चलो अभी अभी देखो, अभी हमने एफ डी सही बना रहे हैं, ठीक है जी, एन पर हमने न्यू लिया जी, टी पर एक्सटेंड किया वही रहने का, वही फिर टी पर एन फोर न्यू, ये वही यहाँ पर देते हैं प्लस वन जी, ठीक है जी, एक और बना देते हैं, ठीक है जी, प्लस वन जी बी के बाद बना दिया,
दो रख दो। अगली बार राइट हो गया। आठ दो ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी वी थ्री नहीं ये थोड़ा बता देते हैं ना तो क्या ये तभी ना बनेगा, बी एल का आई डी तभी तो जनरेट होगा। बी एल की आई डी तभी तो जनरेट होगा जब एक नया पार्टीशन बनेगा। ये भी क्रिएट, ये तो नॉर्मल में भी तो हम लोग क्रिएट एफ टिक से इसे कर देते हैं। हाँ ये नॉर्मल में भी कर सकते हैं, सिंपल एक नॉर्मल पार्टीशन के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ, लेकिन अभी तो हम लोग टेस्ट वो कर रहे हैं ना। हाँ सर, पर इसका एक कंडीशन बता दीजिए ना सर कि अगर ये हम चला दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये माउंट परमानेंट हो गया। चला नहीं, माउंट परमानेंट कहाँ कर देगा ये, चलाने के बाद ये आई डी तुम्हें जनरेट करके देता है वो। नहीं नहीं मैंने यहाँ के लिए नहीं पूछा, ये तो केवल यहाँ से आई डी कॉपी कर लीजिए। हाँ जैसे हम इसमें जाते हैं वहाँ पेस्ट कर देते हैं। हाँ और सब डाल देते हैं उसका वैल्यू है। हाँ एक्सेप्ट है। हाँ उसके बाद कैसे पता चलेगा कि अमाउंट परमानेंट हो गया। किस टाइप में जाके हाँ एक एक रेसिप हाँ जैसे तुमने ये वैल्यू डाल दिया। हाँ यहाँ पे आएगा। हाँ और उसके बाद ये अमाउंट पॉइंट आएगा। हाँ हाँ तो तुम जब डी एफ एपर चला के देखोगे तो पार्टीशन अगर माउंट पार्टीशन में दिखा रहा है तो दिखा रहा है तो मतलब माउंट है वो, परमानेंटली माउंट है। यू माउंट करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, यू माउंट करके या इससे बिल्कुल हटा कर यहाँ से यू माउंट करने के लिए यू माउंट जहाँ पे तो माउंट क्या रखे हो उस डायरेक्टरी का नाम आएगा तो इसी में कंफ्यूज है ना। यू माउंट स्लैश स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम जहाँ डायरेक्टरी में माउंट कर रखे हो। आई यहाँ से तो सीधे हम गायब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर कमेंट कर दो, फिर उसको कमेंट कर दो। हाँ कमेंट ही कर दिया करो, गायब मत किया करो ताकि कभी इन केस जरूरत पड़ता है। अभी क्या करना है, इसको बनाऊँ मैं ना इसको क्लियर अब पी ये वाला बनाते हैं जो पहले बना रहे थे। हाँ ये वाला पी वी क्रिएट नॉर्मल में जरूरत नहीं होता है ना सर। एक्स वी डी एफ कौन कौन था यार, फाइव था ना। आइस फैन चला देना है। नहीं नहीं ठीक है चलने दो ना, हल्का सा। एक्स वी डी एफ फाइव और सिक्स कम कर दे, कम कर देना आयुष एक पे। ये कर रहे हैं हम ठीक है जी। वो बन गया सर, एक सेकंड और सर। जैसे इसमें डायरेक्टरी पे अगर यही कमांड चलाएं तो नहीं चलता है। क्या डायरेक्टरी पे, जैसे यहाँ पे सेफ डायरेक्टरी बनाए थे। हाँ इसमें ना भी बनाए फिर भी चलता है। हाँ अगर इसमें डेटा नाम से बना दिया। हाँ और चलाना चाहता हूँ तो नहीं चलता ये नॉर्मल ना, ना ना डेटा नाम नहीं, स्वेप ही बनाना पड़ेगा। स्वेप ही चलेगा इसमें। हाँ और मतलब और पीवी क्रिएट एक फाइल टाइप है। अरे कन्फ्यूज हो गए, पहले ये करवा रहे हो फिर। हाँ हाँ हो गया सर। देखो पी वी क्रिएट करके ये हो गया ना, तो पार्टीशन बन गया ना, दो पी वी में आ गए। अब वी जी क्रिएट वी जी जीरो बन गया। अब एल वी क्रिएट बनेंगे एन सर, आगे पीछे भी दे सकते हो, कोई जरूर नहीं है। क्या गोविंद करना था ना फाइव पॉइंट प्लस वन जी ठीक है ना जी। देव जी जीरो जीरो राइट सर बन गया ही है। अब हम क्या करेंगे इसको, तुम फॉर्मेट करने के लिए क्या बताते हैं, एम के एम के एफ एस ना जी एम के ये करना है कि एक्स एफ एस करना है ये बताओ। इसमें हो जाएगा सर, इसी में कर दीजिए ये लेटेस्ट है ना। डेव जी
दिखा रहा है 1 GB का है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि अब हमें इसको बढ़ाना है, एल वी एक्सटेंड करना है ना, तो अभी हम वही जाते हैं। ठीक रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा कर आगे आएगा तो एक्स वी डी है, ठीक है ना। अभी पी को लिस्ट किया हमने, तीन है मतलब 2 GB अलग 1 GB अलग। अभी हम एन करके कॉल बना लिए और इसमें 1 GB और कर दिया हमने। डबल करेंगे करेंगे अब अगर आ रहे थे वो हमेशा मांगेगा सर, क्यों मांगते सर, इसलिए कि हम दोबारा। अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पार्ट टू करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि या तो रिस्टार्ट करो या तो पार्ट प्रो चलाओ। अच्छा ये हो गया ना, अच्छा तो है जी सर, ठीक है ये हो गया रन पार्ट प्रो, ठीक है अभी हो गया जी। अब क्या है, अब तुम इसको पीवी क्रिएट कर दो, इस पार्टीशन का नाम जो भी नया बनाए हो जी, नहीं डीजी एक्सटेंड डीजी जीरो ड्राइव का, ड्राइव का नाम अंदर VGS में आ गया ना जी, आ गया बढ़ गया। 3 GB उस समय 2 GB था, 3 GB लिया था, नहीं हमने कितना लिया था, 3 GB लिया था उस समय। हाँ उस समय 2 GB एक एक जी बी का लिया था, 2 GB का लिया था, हो गया ना यहाँ पे 4 GB। अच्छा हाँ यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है 4 GB हो गया। अब हम क्या करेंगे, एल वी एक्सटेंड आईफोन एल 1 GB प्लस 1 GB ड्राइव ले आ गया। वो लग रहा है ना कि जो हम लोग एक्सप्रेस में बना रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले रहा, उसका नहीं ले रहा है। क्योंकि जब तक हम लॉन्च नहीं करेंगे वो डेटा यूज ही नहीं कर पाएगा। नहीं ये सब क्वेश्चन जानना चाहिए, ये बढ़ाने वाला एक बीच का नहीं, वो HD4 में करोगे ना जी, बड़े प्यार से ले लेगा ये, वो XFS में है ना ये, इसलिए वो दे रहा है ये, इसके लिए कुछ और चलता होगा। अच्छा अच्छा हाइफन डी करना है क्या सर, क्या था सर
XFS underscore grow FS. ओहो बढ़ाने का वो फाइल सिस्टम दूसरा है ना ये इसे साइज के ऊपर नहीं चल रहा बिल्कुल सर अब बस दो कमांड बस दो एक ये वाला ये तो मूव वाला नहीं चलाते सर हम इसे एक रिड्यूस वाला दूसरी रिड्यूस वाला ना अब इसको कम करा दीजिए बस दूसरी रिड्यूस वो कहाँ से जैसे जैसे बढ़ा सकते पूछ नहीं वहाँ जो एरर दिया था उसके जगह कमांड रिसाइज टू एफएस के जगह एक्स ये लिख लो कमांड हाँ लिख लो ग्रो एक्स एफएस अंडरस्कोर ग्रो एफएस एक्सएफएस लो चला हम बता रहे हैं ये वाला तो चला दिया रिड्यूस होला ना हाँ तो बता रहे हैं ना नहीं चलाएंगे लाइव में नहीं चलेगा सर लाइव में असल मूव वाला नहीं लिख लिया एक्सएफएस अंडरस्कोर ग्रो ऑफ डिवाइस ड्राइव में पूरा लिख लेना एजीटीच समझ में आ जाएगा वो अगर एफटी फोर फाइल सिस्टम होगा ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हाँ वो तो वहाँ सिंक कर जाएगा वहाँ पे सिंपल ही साइज टू एफएस ही चलेगा ये माउंट करो अच्छा ये माउंट कर लो ये माउंट फ्लैश बेटा ईमॉन डेटा बनाए थे ना सर हो गया सर जो फोल्डर बनाए थे वीजीएस कमांड लगाओ वीजीएस कमांड पार्ट प्रूव कर दो क्या इसमें जरूरत ही नहीं ईमॉन डाल दिया ना हाँ ठीक है अब डीएमए को नेच करो नहीं दिखा रहा ना नहीं नहीं दिखा रहा ठीक है कमांड चलाओ पहले वीजीएस कमांड चलाओ वीजीएस वीजीएस चला दिया जो लास्ट नंबर का पार्टीशन कौन सा है हाँ सेवन नंबर वाला है ना अरे वी जी एस में नहीं दिखाता है ना सर ये वी जी एस में उसका साइज बताता है बस आप पी वी एस करो हाँ जो सात नंबर है सबसे आखिरी वही हटाएंगे हाँ जी सर वी जी रिड्यूस वी जी रिड्यूस स्पेस वी जी जीरो हो गया सर जो स्पेस वो सातवें नंबर का नाम लिख दो पूरा मतलब ये ले लेता हूँ ना हाँ ले लिया चला लग रहा चल गया बीजीएस में लेता स्पेस बीजीएस में है सर बीजीएस बीजीएस में अच्छा अच्छा लग रहा कम हो गया सर पहले चार जी बी था कितना दिखा रहा हाँ तीन जी बी दिखा रहा ना हाँ हाँ तो हट गया वो हाँ हट गया फिर जाके उसको पी बी रिमूव कर दोगे एज इट इज सेम पी बी रिमूव देन स्पेस वही हार्ड डिस्क का नेम पार्टीशन का नेम वो पार्टीशन हो गया तुम्हारा फ्री पार्टीशन फ्री हो गया तुम्हारा ये जैसे हम वी जी रिड्यूस किए हैं सर वैसे हम पी वी एल वी रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस भी कर सकते हैं वहाँ कमांड चलेगा एल वी रिड्यूस हाइफन एल वही सेम कमांड हाइफन एल और सारा कमांड सब कुछ वही रहेगा बस केएल रिड्यूस हो जाएगा हाँ ओके ये भी समझ में आ गया अब रहा मूव वाला हाँ मूव वाला कैसे बताएं सर कौन सा अभी मूव वाला बता रहे थे ना पी वी रिमूव बताया मैंने रिमूव तो जानते हैं सर नहीं नहीं रिमूव बोला हाँ जैसे सेवन जी बी वाला हटाने को बोले सेवन वाला हटा दिया हाँ हमें किसी और कोई एल वी एफ पार्टीशन और है तो उसमें हमारे को ये हम ये पार्टीशन को दे सकते हैं जैसे हमारे पास एक सिस्टम में तो
दो तीन एलबीएम पार्टीशन हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे भी हम बीजी जीरो बना रहे हैं तीन हार्ड ड्राइव को लेकर, फिर तीन हार्ड ड्राइव को लेकर सकता है बीजी वन एक एलबीएम बना सकते हैं। हाँ, मान के चलो एक पार्टीशन में स्पेस की जरूरत नहीं है, दूसरे में जरूरत है, हम यहाँ से डिलीट करेंगे फिर दूसरे में हम दे देंगे तो दे देंगे। ओके, अब वो जो टी वी मूव वाला है ना, ये टी वी क्या है, टी वी मूव कमांड है ना जी, वो भी इसी के काम के लिए ही यूज होगा। तो ये लिख रहा है टी वी मूव इज यूज टू डिकेड द फिजिकल एक्सटेंस यूज ऑफ द फिजिकल वैल्यू टू अनदर टी वी। सपोज सर अभी आपने एल वी रिड्यूस है, ये जी डी सर ए हो गया, जैसे आप बोले अभी टी वी रिमूव करो। हाँ, यस कर रहा हूँ, टी वी रिमूव करूँगा तो ये तो सेवन हट ही जाएगा ना सर, बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, कम से कम ये सेवन हट गया, तुम्हारे पास एक दूसरा एलबीएम पार्टीशन था है अगर, तो ये हट, ये पार्टीशन दूसरे को यूज दे सकते हो ना तुम। हाँ, दे सकते हैं, अब ये तो फ्री हो गया ना सात नंबर, तो रिमूव कर दूंगा तो हट ही जाएगा ना पार्टीशन, हट जाएगा नहीं पार्टीशन ही हटेगा। हाँ, फिजिकल टी वी, हाँ टी वी से हटेगा, पार्टीशन तो वहाँ पे है ही, पार्टीशन जब ये हट गया तो इसको तुम किसी और को असाइन कर सकते हैं। तब अब इसको मूव वाला बता दीजिए ना सर, टी वी मूव वाला, टी वी मूव के लिए पता है एक और बनाना पड़ेगा हम लोग को, सेवन तो है ना अपने पास, एक काम करो लिया जरा हम भी देख ही लेते हैं, हमने भी टेस्ट नहीं किया उसमें, टी वी रिमूव कर दो अभी, काम करो ना इसको टी वी मूव वाला रहने दो, इसको मार्ट को रहने दो। हाँ, इसको रहने दो, हमने भी देखा नहीं है, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, काम नहीं आएगा ना। आज तक चलाओ ये छोड़, अभी जब 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 मैं चलाऊँ NFS हाइफन यूटी, अरे सर मेरा तो चल ही नहीं रहा, नहीं इस फोन में हाइफन यूटी UTILS चल रहा तुम्हारा सर, हैंग हो गया आप चला रहा हूँ, इसको कुछ लिखा भी लिख के रहा करो, कुछ कुछ सही इतनी मार के मार दे। साथी में थोड़े होगा क्या हुआ सर, ये तो लिस्ट खोल गया, एक अजीब सा लिस्ट खोल गया, इंस्टॉल स्पेलिंग सही लिखा हो, इंस्टॉल का तो स्पेलिंग सही लिखा है पर इंस्टॉल इंस्टॉल और उसके स्पेस देखा NFS है, स्पेस NFS दे दिया, उसके बाद हाइफन यूटी UTILS। हाँ हाँ, ये तो देखिए एक अजीब सा सारा अपना डायग्राम खोल दिया, कमांड ही चला रहा हूँ सर, अच्छा इसमें स्पेस नहीं था, इसमें स्पेस बोला था, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल है, थोड़ा सही लिखो, हम भी वही लिखते हैं, क्या लिख, हाइपर बोलेंगे हम, हाइपर न्यू फिल्स का मतलब क्या है, स्पेस नहीं है, स्पेस होगा, दिमाग लगाओ, स्पेस सुन लेते हैं, कहाँ लिखा है, अच्छा इसके लिए गाना फिर से बीच में स्पेस नहीं है, मैं भी वहीं चला के इसका
चले एक कमांड में उसका क्या नाम था सिस्टम सीरियल जी स्पेस स्टार्ट स्पेस एनएफएस सिस्टम सीरियल स्पेस स्टार्ट स्पेस एनएफएस NFS NFS ये तो चला ही रखे हैं फिर से चला सकते NFS सिक्योर चलाए थे हाँ क्या ले NFS चल गया इसमें चला दोगे सिस्टम सीरियल इनेबल NFS ठीक है ना NFS है क्या सर ये लेटर में फाइल सिस्टम कैसे ले लो अभी लिखवाए ना मैंने सिस्टम सीरियल इनेबल एनएफएस इनेबल एनएफएस चल गया अब रीस्टार्ट एनएफएस करो नहीं ये स्टार्ट कर दिए थे ना समय सिस्टम सीरियल स्टार्ट एनएफएस कर दिए थे ना नहीं क्या हो गया चल गया हाँ स्टार्ट NFS सिक्योर चलाए हम फिर स्टार्ट चलाए स्टार्ट चलाए फिर इनेबल चलाए NFS इनेबल NFS पहले स्टार्ट फिर इनेबल NFS हाँ जब इनेबल किया ना सर तो आया क्रिएटेड लिंक फॉर्म ETC सिस्टम एक लिंक बना दिया उसने सॉफ्ट लिंक हाँ तो क्या करेगा जब भी तुम्हारा सिस्टम रिबूट होगा तो सर्विस तो अपने आप जीरो होता करना चाहिए एनओएनटी माउंट स्पेस वीजी जीरो बनाए थे सर आप जीओ वी आई एन डी गोविंद डेटा ये पहले से डिवाइस नहीं ले रहा सर डिवाइस अलग था क्या अपना अरे फिर टाइम मारो ना आ जाएगा वो देव के बाद हाँ जीरो लिखो मैं पर आ रहा है एक मिनट सर जीरो गोविंद बारा कमांड करो ना थोड़े टाइम है नहीं हो रहा हो गया और कुछ नहीं आ रहा ये क्या है माल जी अब एक कमांड चला एक्सीम चला ना ओ देख लो जीरो की जगह वो है सही कहा नहीं जीरो होना चाहिए सिस्टम मार है सर ये सब कमांड क्रोन से नहीं चलेगा क्रोन से चलाना नहीं चलता ना ये क्या है सर डेटा आर डब ये कमांड खोलो इटी का स्पोर्ट कमांड कमांड चला वी आई एम इटी का स्पोर्ट खोलो वी आई एम इटी की स्पोर्ट एक्सपोर्ट्स है सर एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एस नहीं यस एस आ रहा है टैब डाला ना तो एस आ गया एक्सपोर्ट ठीक
खोल दिया। अब वहाँ पे यूज़ करो, पहले में फ्रेश डेटा लिखना, फिर टैब मार देना, यहाँ क्लिक करना। क्या है सर, वीम ईटीसी एक्सपोर्ट्स में नहीं कुछ आया? पर वो नहीं आ रहा ना जो चाहिए हम लोग को। क्या आएगा? थोड़ी नहीं लिखना है ये। अच्छा वो नहीं आएगा, प्रेस करके लिखना होगा। मैं समझ गया क्या आएगा। ठीक है, अब क्या लिखा? आई प्रेस करके लिखना होगा। लास्ट डेटा, प्लस डेटा, टैब मारो, टैब मारो, एक और टैब मार दो। अब लिखो स्टार, स्टार ब्रैकेट में आर डब्ल्यू, ब्रैकेट में आर डब्ल्यू, डॉट डॉट नहीं है, कोमा, कोमा, कोमा सी, कोमा नहीं आ रहा है, कोमा सिंह, एस वाई एन सी, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर कर दो। फिर लिखो डेटा, सेव कर दो सर। ठीक, सेव हो गया, सेव हो गया। और के नीचे मतलब ये भी लिख मतलब सकते हैं। मतलब देखो स्टार का मतलब ये है, ये फोल्डर जो है हम पूरे होल नेटवर्क के लिए शेयर कर रहे हैं। ओके, स्टार का मतलब ये है, हम चाह रहे हैं कि हमारा फोल्डर सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्वर ही एक्सेस करे। हाँ, पर्टिकुलर कोई आईपी एक्सेस, तो आईपी दे दिया रीडायरेक्ट से। अच्छा, दोनों का मतलब लिख लेंगे, इसलिए मैंने फॉर लिखा। ठीक है, समझ लेंगे। ठीक है, अभी चला दिया सिस्टम सिग्नल रिस्टार्ट होने पे? नहीं, हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? अब ये एक मशीन का, अब यहाँ पे कमांड चलाओगे, लिखो सो माउंट, सो माउंट, सो एम ओ यू एन टी, लोकल होस्ट, यस सर्वर आईपी। मैं क्या लिखूँ सर? सो माउंट, अभी अभी तुम सिस्टम पे ही देख रहे हो, तो लोकल होस्ट लिख रहे हो। ठीक है, सो माउंट हाइफन सी, एक कहाँ से लगा रहा, हाइफन ई, यस लोकल होस्ट, एल ओ सी ए एल लोकल आई पी होस्ट हो गया। ठीक, लोकल होस्ट, हाँ चला बस। वो क्या है सर? यह सर्वर आई पी वही की बात है, सर्वर आई पी लिख लेना। मैं तो लिख लिया, और जो तुम पार्टीशन शेयर किए रहोगे ना वो दिखा देगा, वो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, ठीक है। अब ये एक्चुअली कमांड चलता है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये चलेगा दूसरे सिस्टम पे। वो ये डिस्कवर करेगा कि इस सर्वर पे कौन सा ड्राइव शेयर है, मतलब शेयर के लिए अवेलेबल है। जो ये कमांड है, ये कमांड चलेगा। एक तो तुम ये देखो अपने सिस्टम पे, ये चला के देखोगे कि हमारे सिस्टम पे कौन कौन सा फोल्डर शेयरिंग के लिए अवेलेबल। जैसे एक काम करो, सिस्टम यम इंस्टॉल आर पी सी बाइंड, यम इंस्टॉल आर पी आर पी सी सी बाइंड बी आई एन बी आई एन ऐसा भी हो, ऑलरेडी इंस्टॉल,
सिस्टम हो रहा है ये काम हो रहा है सिस्टम सी पी एल ये सर इनेबल इनेबल आर पी इनेबल आर पी सी बाइट ठीक है आप स्टार्ट भी कर दो नहीं नहीं हाँ स्टार्ट भी करो जी स्टार्ट करो जी स्टार्ट करो या स्टार्ट करो हो गया सर सिस्टम सीपीएल सिस्टम सीपीएल इनेबल इनेबल NFS आइकन सर्वर NFS आइकन सर्वर चल गया सर स्टार्ट कर दो हो गया स्टार्ट कर दो अभी ये स्टार्ट कर दो फिर एक और काम करो सिस्टम सी पी एल स्टार्ट एन एफ एस सर्वर एन एफ एस हाइफन बाउ पर सर ये सर्वर को केवल इनेबल किए हैं एल ओ सी के सब में इनेबल होगा सब में रिस्टार्ट होगा ठीक है अच्छा तो इसको भी तो रिस्टार्ट कर देता हूँ आपने तो क्या लिखा बताओ मैंने उसे देखा सिस्टम सीपीएल हाँ रीस्टार्ट आखिर सुधार उसके बाद सिस्टम सीपीएल फिर मेरा सिस्टम सीपीएल इनेबल ये पहले रीस्टार्ट लिखे हो ना हाँ रीस्टार्ट लिखे इसपे इनेबल लिखो इनेबल आरपीसी सर आप लॉक सीधे स्टार्ट करवाए हैं इनेबल नहीं कराया उसको भी इनेबल कर दो सिस्टम लिख दिया इनको सिस्टम सी टी एल इनेबल एन एफ एस आइकन सर्वर एन एफ एस आइकन सर्वर लिख दिया हो गया सर सारा चला गया सारा इनेबल किया स्टार्ट किया हरी स्टार्ट कर दिया हेलो सर्वर है सर्वर लास्ट में लोकप्रिय सर्वर आपका सर्वर है सर्वर के डब्ल्यूज कर लीजिए इसको थोड़ा सा कर ये ग्रुप बनाया हो ना इस ग्रुप को खोलो कुछ नहीं बता दे रहे हैं इन बॉन्ड में एडिट करो यहाँ पे यह पे कौन करो यहाँ पे करना यहाँ पे अब यहाँ पे और ट्रैफिक करना यहाँ भी एनीवेयर करना सेव करना इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना बाद में डिलीट कर देना अभी टेस्ट कर देते हैं अभी पास हो गया अब मैं भी बताना सो माउंट ओके ओके बता मतलब इसका या इसका
इसका ये बताओ ना, हाँ ये बताओ ना, 18 दो 218 202 67 तुम्हारा ये 67 घटा गया ना मेरे पास, मैं सर्च कर रहा हूँ, डिस्कवर किया तुम्हारे पे क्या आईपी है, जो फोल्डर लेवल है डेटा नाम का वो वहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आ गया ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको माउंट ठीक है हाइफ़न टी टी मतलब टाइप एनएफएस तुम्हारे सर्वर का आईपी दिन दूंगा मैं कॉलन जो फोल्डर तुम्हारा शेयर नेम है स्लैश डेटा ठीक है। मैं इसको अपने यहाँ माउंट कर रहा हूँ एमएनटी फोल्डर के अंदर अब मैं चेक करूँगा डीएफ एडवेंज कमांड से एमएनटी फोल्डर के अंदर ये मैं जाऊँगा एमएनटी के अंदर। अब मैं यहाँ पर कुछ भी डायरेक्टरी बनाऊँगा एमके डी ए आर परमिशन डिलीट दे रहा है तो यानी इस डायरेक्टरी को हमें परमिशन देना पड़ेगा। तुमने वो क्या एक्सपोर्ट एफएस में क्या दिया था दिखाना मैंने इसमें यहाँ पे फुटी 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 मुझे वी आई यू टी सी एक्सपोर्ट एफएस खोलना वीम था ना सर एक काम करो हाँ बाहर आ जाओ तुम स्लैश डेटा फोल्डर करो 777 परमिशन दे दो केवल ए को दूँ कि 777 ओके 777 स्पेस फॉरवर्ड स्लैश डेटा मेंटी के अंदर मूव किया था तो मेरा फोल्डर है तो तुम एलएस करो डेटा के अंदर जा रहे हैं जी डेटा फोल्डर के अंदर जा डेटा फोल्डर के अंदर जा ना एलएस करो नंबर ले दुनिया बनाए हैं ना सो गया सर मेरे दोनों जगह सबके तुम्हारे फोल्डर को मैंने अपने जगह पे माउंट कर माउंट किया ये अलग सी जगह है शेयरिंग कैसे करते हो तुम लोग अपने ऑफिस में शेयरिंग करते हो ना शेयर ड्राइव पर रखते हो दिस इज कॉल्ड शेयर ड्राइव कल करेंगे सर तो इसमें अगर कुछ रखेंगे तो उसमें कुछ दिखाएगा अभी तुम बनाओ यहाँ पे कब को आ रहा था अभी अभी कह रहे दूसरा तुम एक फोल्डर बनाओ तुम एक फोल्डर बनाओ यहाँ पे कुछ भी तुम एम के डी आर से कुछ भी बनाओ यहाँ पे आएगा एम के डी आर अमरनाथ नहीं स्लैश नहीं अब इस फोल्डर में है तो तुम बिना स्लैश के बनाओगे तब तो यहाँ बनेगा हाँ माउंट कर लिए हैं लो अब मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूँ तुम यहाँ से डिलीट कर दोगे तो मैं यहाँ डिलीट हो जाएगा वहीं देख रहा हूँ पर सर ये हमारे पास एक कमांड लिखे है हमें कमांड लिखवा रहा हूँ सर जो आपने फोल्डर बनाया ये डिलीट कर सकते हाँ अगर ये तुम अपने ही राइट दिए हो सर को हाँ ट्रिपल सेवन इसलिए देना पड़ा क्योंकि मैं अदर यूजर हूँ ना एनएफएस यूजर हूँ इनको ऐसे पावर दे दिया गया कि सर का यूजर
डब्ल्यू सब डिलीट कर दो सिक्योरिटी, यहाँ फोल्डर बनता है हाँ, बट वहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते वैसे, कुछ एडिट कर सकते बट डिलीट नहीं कर सकते। वो तो परमिशन, वो तो परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है ना तुम्हारा। ये सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, नीचे आओ, यहाँ से चेक करो इसको। इनबाउंड टिकट पे जाओ, ये डिलीट मार दो नीचे के, नहीं ऊपर का, ऊपर का दोनों होल्ड कर के बोला ना, सेव कर दो। सर परमिशन दे के छोड़ देना करके देखते हैं, फिर क्योंकि डेटा फोल्डर सब कोई भी माउंट कर सकता है ना तुम्हारा स्कैन करके सर्वर पे, कोई कोई ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है नहीं। इसको देखो माउंट करने का तरीका लिख लो, डिस्कवर करना नॉट स्कैन, सो माउंट लिखा है नहीं मैंने, सो माउंट है तो नहीं, उस रिमोट सर्वर का नाम दोगे हाँ तो वो ऐसे ही ले लेगा ना तुम्हारा रिमोट। चलो लिखो, तो परमानेंट कैसे माउंट करोगे, परमानेंट माउंट करेंगे। अभी तो क्या है कि मैंने मैन्युअली माउंट किया था, ठीक है हाँ, सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो चला जाएगा वो हाँ। यानी हम वीआई में जाओ, विम में जाओ, परमानेंट परमानेंट माउंट करने के लिए देखो, एक नॉर्मल माउंट करने के लिए इसमें जाओ ना। अब तुम कहाँ से, तुम तो खुद अपने आप को शेयर किए हो, तुम कहाँ माउंट करोगे, तुम शेयर होल्डर हो। अच्छा तो फिर माउंट, अगर मुझे माउंट करना हो तो माउंट कमांड चला, ठीक है जो माउंट हो गया ना आप लोग।